हेलो व्यूवर्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पटबहार पुस्तक पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हिंदी पुस्तक है। चतुर्थ श्रेणी का यह पुस्तक है। तो आज कराएंगे नवा पाठ चांद की सैर, इस कहानी का प्रश्न उत्तर। कहानी का प्रश्न उत्तर कराने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस पुस्तक के और भी सारे प्रश्न उत्तर जानने के लिए। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में अपना नाम जरूर से ज़रूर लिखें। मैं आप सभी के नाम में कॉमेंट जरूर करूँगी। तो अब देर न करते हुए चांद की सैर, इस कहानी का प्रश्न उत्तर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ आप सभी को याद करना है। आकृति यानी कि बनावट, उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा, शक्तिदायक बल देने वाली, स्वयं यानी कि खुद, ज्वालामुखी यानी कि वे पर्वत शिखर जिनसे आग निकलती हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि धरती की अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति। तो ये शब्दार्थ आप सबको याद करना है। अब आते हैं प्रश्न पर। एक नंबर, संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न एक का एक, दादाजी के सामने कौन कौन बैठे थे? इस प्रश्न का उत्तर है, दादाजी के सामने माधव और लता बैठे थे। प्रश्न एक का दो, पूर्णमासी का चांद कैसा दिखाई दे रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है, पूर्णमासी का चांद गोल रूपहला दिखाई दे रहा था। प्रश्न एक का तीन, क्या चांद रात में रोशनी देता है? इस प्रश्न का उत्तर है, हाँ चांद रात में रोशनी देता है। प्रश्न एक का चार, चांद की जमीन किससे बनी है? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। प्रश्न एक का पाँच, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है या अधिक? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। प्रश्न एक का छः, अंतरिक्ष में कैसा भोजन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियाँ ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। प्रश्न एक का सात, अंतरिक्ष में कौन सी शक्ति नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर है, अंतरिक्ष में चुंबकीय शक्ति नहीं होती। प्रश्न एक का आठ, चांद पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा? उस दिन कौन सी तारीख थी? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। उस दिन 21 जुलाई 1969 यह तारीख थी। प्रश्न एक का नौ, चांद पर पहुंचना मनुष्य की कौन सी उपलब्धि है? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब दूसरे पेज पे आ जाइए। प्रश्न नंबर दो, संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्रश्न दो का एक, चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षी क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद पर पेड़ पौधे पशु पक्षी पृथ्वी की तरह नहीं होते क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। प्रश्न दो का दो, अंतरिक्ष में यात्री क्या खाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, अंतरिक्ष में यात्री केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां और प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही खा पी सकते हैं। प्रश्न दो का तीन, चांद की जमीन पर पहला कदम किसने रखा? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद की जमीन पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। प्रश्न दो का चार, चांद से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। प्रश्न दो का पाँच, चांद से पृथ्वी को देखने पर यात्री खुश क्यों हुए? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है, इंसान ने धरती से चांद को देखा है लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा,
उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। चांद से पृथ्वी को देखने पर यात्री इसलिए खुश थे। प्रश्न 2 का 6। चांद पर पहुंचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है, चांद पर पहुंचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वह दूसरा ग्रह है, इसलिए। प्रश्न 2 का 7। चुंबकीय शक्ति कहने से तुम क्या समझते हो? इस प्रश्न का उत्तर है, चुंबकीय शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित अंतरिक्ष से जुड़े कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे जो भी वाक्य है, अगर वो सही है तो हमें सही का चिन्ह लगाएंगे और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। 3 का 1। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। तो ये सही है तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे सही का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। प्रश्न 3 का 2। अंतरिक्ष में हम आराम से चल सकते हैं। यह गलत है तो हम यहाँ पे गलत चिन्ह का लगा देंगे। प्रश्न 3 का 3। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ये सही है तो हम यहाँ पे सही चिन्ह लगाएंगे। चांद पर 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा रहता है। ये भी सही है 3 का 4 का, तो इसमें भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। 3 का 5। पृथ्वी चांद की तुलना में 81 गुन बड़ी है। ये भी सही है तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। सही स्थान पर अनुस्वार बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे है च में आ की मात्रा द, तो यहाँ पे अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हो जाएगा चांद। उसके बाद यह है कुआं, तो यहाँ हमें बिंदु लगाना है। कंकड़, तो इसमें भी बिंदु होगा तो ये होगा कंकड़। अंधेरा, तो इसमें भी अंधेरा में अ में जाएगा चंद्र बिंदु की मात्रा। अंतरिक्ष, अ में बिंदु लगी तो अंतरिक्ष होगी। आनंद, आनंद के माथे में भी न के माथे में हमें बिंदु लगाना है। पहुँचा, तो यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु लगाना है। और 15, तो यहाँ पे हमें बिंदु लगाना है। तो इस तरह से इसमें हमें चंद्र बिंदु और बिंदु लगाकर शब्द को सही करना है। अब आते हैं प्रश्न 5। इन शब्दों में ज के नीचे नुक्ता लगाकर शब्द को पढ़ो। ठीक है, तो ज के नीचे हम इस तरह से नुक्ता लगाएंगे तो होगा मजा। उसके बाद यहाँ लगाएंगे सजा। उसके बाद यहाँ लगाएंगे सब्जी। उसके बाद यहाँ लगाएंगे आवाज़। उसके बाद यहाँ लगाएंगे वजन। उसके बाद यहाँ लगाएंगे जमीन। तो इस तरह से हमें सब ज के नीचे नुक्ता को लगा देना है। प्रश्न 6। दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पे 6 का 1 1 करके दिखाया गया है। शक्ति यानी कि शक्तिशाली, शक्तिहीन, शक्तिमान। उसी तरह है यहाँ पे जय, तो यहाँ पे 1 1 और करके दिया गया है, हमें और 2 करके लिखना होगा। तो यहाँ पे है विजय, तो हम और क्या क्या लिख सकते हैं? तो हम और लिखेंगे यहाँ पर पराजय। 1 हो गया हमारा पराजय और 1 लिखेंगे अजय। इस तरह से हमारा जय से हो गया। उसके बाद है यहाँ पे शेष विशेष, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विशेषण। तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर विशेषण और 1 लिखेंगे विशेषता। तो इस तरह से हमारा शेष से भी 2 शब्द हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे ज्ञान अज्ञान, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे विज्ञान। ज्ञान का यहाँ पे है अज्ञान, विज्ञान ज्ञानदाता। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेज पर। प्रश्न 7। बाई और दिए शब्दों के विलोम नीचे दिए गए हैं, शब्दों से चुनकर लिखो। ठीक है, तो बाई तरफ देख सकते हो यहाँ पे जो शब्द है वो विलोम है, वो शब्द है, इसका हमें विलोम शब्द यहाँ से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे है शक्तिशाली, जीना, अंधकार, साधारण, पताल, अधिक, मुश्किल, पराजय, उजाला, असुविधा। तो यहाँ पे 1 करके बताया गया है। प्रकाश, इसका होगा अंधकार। कम, कम का होगा अधिक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिक।
इस तरह से लिख देंगे अधिक, मरना का होगा जीना, तो इस तरह से आपको यहाँ लिखना है जीना। उसके बाद है विशेष, विशेष का हो जाएगा साधारण, तो यहाँ पे है साधारण तो हमें यहाँ पे लिखना होगा साधारण। उसके बाद है सुविधा, सुविधा का हो जाएगा मुश्किल, तो यहाँ पे हमें मुश्किल इस तरह से लिखना है। तो बाईं ओर शब्द का हम विलोम शब्द लिख रहे हैं यहाँ से चुनकर। यहाँ है अंधेरा, इसका हो गया उजाला। जय का हो जाएगा, यहाँ पे है देखो पराजय, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से पराजय। उसके बाद है आसान, आसान का हो जाएगा असुविधा, इसे इस तरह से हम लिख देंगे असुविधा। उसके बाद है शक्तिहीन, तो इसका हो जाएगा शक्तिशाली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से शक्तिशाली। उसके बाद है आकाश, तो इसका हम लिखेंगे पाताल। इस तरह से विलोम शब्द भी हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। दाई और दिए चिन्हों वाले तीन तीन शब्द और लिखो, तो यहाँ पे जो दाई और जो चिन्ह है तो इस तरह से शब्द हमें और लिखना है। एक यहाँ पे बताया गया और तीन तीन हमें ये सारे शब्द का तीन तीन करके लिखना है शब्द। तो चलिए ये सारे शब्द अब लिखते हैं। तो यहाँ पे है गुरु, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक मरुभूमि, तो इस तरह से आप सब भी लिख लेना। एक लिखेंगे मरुभूमि, उसके बाद एक लिखेंगे रुपया और एक लिखेंगे रुख। उसके बाद है जरूर, तो इस तरह से हम लिखेंगे डमरू। उसके बाद लिखेंगे रुचि, उसके बाद लिखेंगे रूखा। उसके बाद यहाँ पे है रोशनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रविवार, उसके बाद लिखेंगे राम। उसके बाद यहाँ पे है पर्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्म, गर्म, गर्व, तो इस तरह से ये भी हो गया। उसके बाद है ड्रम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रोन और एक लिखेंगे ट्रेन। उसके बाद और एक लिखेंगे ड्रेस, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। उसके बाद है विनम्र, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रदीप। उसके बाद फिर लिखेंगे ग्रहण, उसके बाद फिर लिखेंगे प्रतिज्ञा। इस तरह से आपको ये सब लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, ये सारा कुछ हमें चिन्ह को यूज करके, इस्तेमाल करके शब्द को लिखना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। पहले वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है, बहुत शब्द उस विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, इन वाक्यों में से प्रविशेषण चुनो। तो जैसे कि ये जो पहला वाक्य है इस बारे में यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ से जो सुंदर है वो विशेषण है और जो बहुत है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसी तरह ये तीनों का भी हमें विशेषण और उसकी विशेषता बताने वाली शब्द को चुनकर लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि पहला वहाँ पे बताया ही गया था, चांद बहुत सुंदर है, विशेषण और विशेषता, तो इसमें विशेषण है सुंदर और विशेषता है बहुत। उसी तरह मोहन तो कुछ ज़्यादा लंबा है, तो लंबा है यहाँ पे विशेषण और ज़्यादा है विशेषता। उसके बाद है शोभा अधिक मेहनती है, तो यहाँ पे मेहनती है विशेषण और अधिक है विशेषता। यहाँ से धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो सुंदर है विशेषण और बहुत है विशेषता। तो इस तरह से
नौ का भी जो सारा प्रश्न का उत्तर है वो हो गया। यहाँ पे फिर बोला गया है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो प्रविशेषण बोलने से क्या समझते हो, या प्रविशेषण किसे कहते हैं, या प्रविशेषण से क्या समझते हो, तो आपको ये लिखना है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहलाते हैं, या फिर प्रविशेषण का संज्ञा, तो हमें यही लिखना है प्रविशेषण के संज्ञा में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10, आर्मस्ट्रांग और एडविन अल्ड्रिन चांद पर से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत खुश होना। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका सामान्य या शाब्दिक अर्थ ना होकर विशिष्ट अर्थ होता है। खुशी से जुड़े कुछ और मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो उस तरह यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, मन ही मन लड्डू फूटना, घी के दिए जलाना, पीछे और भी दिए गए हैं। तो ये दो मुहावरे से हम लिखेंगे, परीक्षा में पास होने पर शाम के मन में लड्डू फूट रहे हैं, उसके बाद है घी के दिए जलाना, खुशी मनाना यानी कि, तो इससे हम लिखेंगे दिवाली में सब अपने घर में घी के दिए जला रहे हैं। उसके बाद आइए पीछे देखते हैं क्या क्या है। 10 का 3, फूला ना समाना, बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही हरी फूला ना समाया। 10 का 4, दिल बाग बाग होना, पिताजी के उपहार से रतन का दिल बाग बाग हो गया। तो इस तरह से ये मुहावरा से हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है 11 नंबर, चांद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। उपरोक्त वाक्य को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो, यानी कि ये जो गुलाबी अक्षर से लिखा गया है इसे, इस वाक्य को हमें सुंदर से लिखना है। तो आप सब यहाँ पे सुंदर से इसे देख देख कर लिखना है, इस तरह से चांद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, इस तरह से सुंदर से आप अपने अपने हैंडराइटिंग से लिखना सुंदर करके। उसके बाद 12 नंबर है, रचना करो चांद की कहानी, चांद की जवानी। अगर चांद अपने बारे में यह जानकारी देता तो कैसे देता, यानी कि चांद अगर खुद बोल पाता तो, अगर चांद जो बोलता तो वो क्या बोलता अपने बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो दिया गया है, मैं चांद हूँ, मैं एक उपग्रह हूँ, मैं पृथ्वी का उपग्रह हूँ और उसके चक्कर लगाता हूँ। उसके बाद से जो और चांद खुद के बारे में बोल सकता है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैं सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह हूँ, मैं क्रिकेट बॉल की तरह गोल हूँ, और मैं खुद से नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता हूँ, पृथ्वी से मेरी दूरी 384,000 किलोमीटर है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। तो इस तरह से चांद अपने बारे में अगर बोलेगा तो इस तरह से बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर है 13, इसे भी जानो। तो ये सब भी आप सभी को याद करना होगा, चांद एक उपग्रह है, वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में वह 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लेता है, सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र अधिक चमकीला ग्रह है, ये तो मैंने बोला ही नहीं, चांद के 1 दिन रात के 15 दिन रात के बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बोल दिया, सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र अधिक चमकीला ग्रह है। उसके बाद है साइरस और डग स्टार सबसे चमकीला तारे हैं, चांद पर जाने वाला पहला जानवर लाइका नाम की कुतिया थी, चांद पर कदम रखने के बाद अब मनुष्य लाल ग्रह मंगल पर कदम रखने के कार्य में लगा हुआ है। तो ये सब कुछ आपको, ये सारी बातें भी आपको जान कर रखना चाहिए, इसलिए आप इसे थोड़ा बहुत भी याद कर लें इसे, या फिर कम से कम 10 बार तो ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद है यहाँ पे 14 नंबर, कुछ करो, रात्रि के आकाश में विभिन्न दिनों के अनुसार चांद की विभिन्न आकृतियों के चित्र अपनी कॉपी पर बनाओ। तो आप लोग रोज़ रोज़ चांद को देखना, जब चांद निकले तो उसकी आकृति कैसी है, तो आप अपने कॉपी में बनाना। मैंने कुछ फ़ोटो यहाँ पे दिया है, वो आप अब देख सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ ये प्रश्न उत्तर यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।